बस उतर चुके हैं लोकेशन से और हम पहुंच चुके हैं कुछ अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे हमने अपना कैंपिंग का फूड वेस्ट ना करते हुए यूज़ कर लिया है, इनके साथ शेयर करते हुए। तो ये सोच थी प्राची की कि हम किसी ना किसी को खिलाएंगे। वैसे हम वहाँ भी छोड़ने वाले, वहाँ भी कोई ना कोई शायद खाता, लेकिन कोई श्योर नहीं था ना। बंदर थे वहाँ पे नहीं दिन में, तो थे शायद बंदर, नहीं 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 थे तो यहाँ पे तो बंदर हैं ही कम से कम। मतलब हम सही जगह ले आए, मेन चीज़ ये है। पैक कर लिया था हमने, और मतलब गंदगी हमने कहीं नहीं करी, बस सब चीज़ें सही जगह यूटिलाइज हो गई। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल कैंपिंग। हेलो हेलो, जय श्री राम। बंदर भैया, जय श्री राम। तो फन अभी खत्म नहीं हुआ है, फन अब स्टार्ट हुआ है। चलो कैंपिंग के बाद में किस चीज का फन पहनाओ, दिखाओ मुझे। भैया आपको राखी बांध दीजिएगा। अरे दोस्ती है ये, फ्रेंडशिप बैंड। ये देखो भैया, फन अब स्टार्ट हुआ है। आओ भैया, एक सेकंड। ये 300 का मेरा टिकट है सर, ये भी तो दिखाना है। 300 ये भी दिखा दो। खर्च हो गए 300। तो ये आ गया हमारा फन, और हम घसेंगे सीधे स्विमिंग पूल में। अब ये हुर्रे, और जगह का नाम दिखाता हूँ आपको, गोल्डन फन पार्क एंड रिजॉर्ट, जो कि है आपका कौन से एरिया में? ये भुजिया घाट। बसुटिया, बसुटिया घाट, क्या बोलेंगे? बसुटिया गाँव क्या बोलेंगे इसको? भुजिया घाट है भाई, और भुजिया घाट में है। तो चलते हैं अंदर, वो टिकट देंगे आपको, और इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको अच्छे से। ये हमारे हाय, आ चुके हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। 300 रुपीज है कॉस्ट्यूम का, 100 रुपीज चार्ज अलग से है, और ये है हमारा इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, बट थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन वाला ब्लॉग। ये सर के पास भाई प्रो है, मेरे पास नहीं है, मैं कैमरे से ही बता, अपने मोबाइल से ही बना रही हूँ। और ये हमारा कैंपिंग के साथ ही एड ऑन है, है ना? ये अलग से नहीं है, ये इसी के साथ एड ऑन रहेगा। सुन रहा हूँ मैं, सुन रहे हो सर? कास्क सुन रहे हो ना? सब सुन रहे हो? कोई तो सुनने वाला बना इस दुनिया में? सिर्फ सुन ही रहा हूँ मैं। तो भाई पहुँच गए हैं 5 जने अब वाटर पार्क पे। यहाँ पे धमाल, अब यहाँ करेंगे धमाल, और काजल करेगी बवाल। आप देखना यहाँ पे रील की दुकान खुलेगी। वही लग रहा है मुझे, सब स्टार्ट हो गए। मैं पता है दिल्ली जा रही थी, दिल्ली जाने से हम दोनों डिफरेंट है ना। तो भाई पहुंच गए स्विमिंग पूल में, बढ़िया यार। रुक कर, अरे यार यही है फन, है मजा तो यही है, यही मजा लाइफ। भाई ये जो है ना, यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम डिसाइड की जा रहे हैं, और ये लोग शॉपिंग की तरह जो है, उन्होंने कहा था आधा घंटा लगेगा, मेरे को लगता है 1 घंटा स्विमिंग कॉस्ट्यूम तय करने में लग जाएगा। है भाई 1 घंटे में तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तय करने वाले हैं। ये देखो कलर, जैसे अब इन्होंने डेली यही पहनना है। फाइनल देख लो भाई, तो भैया रेडी हो चुके हैं हम अपने स्विमिंग पूल के लिए। क्यों भाई? तो भाई स्विमिंग पूल का एंजॉय लेना है हमको, और ब्लॉग रहेगा शानदार, क्योंकि हमने करनी है पार्टी जोरदार जोरदार धमाका। बिल्कुल, और चलते हैं स्विमिंग पूल में, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े चेंज कर लिए, ये है हमारा आउटफिट, और चलते हैं अंदर। तो ये है लड़की शबनम, और ये स्विमिंग पूल में कूदने वाली है। धक्का दे दे इसको। ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है स्विमिंग पूल में कूदने की। भाई गाने चलने लग जाएगा कॉपीराइट, तो मैं जनरली इसमें विदाउट म्यूजिक पार्ट रखूंगा। हाँ भाई क्या हो गया? बीमार हो? तबीयत खराब है। ये है शबनम, अब ये भीगी हुई शबनम हो गई है, भीगी हुई शबनम।
भीगी हुई शबनम, क्यों भीगी हुई शबनम, देखेगा वाओ मारने के बाद भारी है भाई अपनी शावर की, तो पहले चलते हैं इस वाले शावर में। ये है असली फन। तो वहां से आने के बाद में स्विमिंग पूल से भाई ये है शावर बढ़िया वाला, यहाँ पे तो घुस सकते हैं, इसका भी तो अलग मजा है भाई। कसम आओ कैमरे पे आओ, वाओ तो ये एक शावर है। ओह तू ही बता इसमें आ रहा भाई, वो देखो भाई डांस कर रहे हैं, वो डांस एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया वाला। स्विमिंग पूल से मजा इसमें आ रहा था। फोटो मैं भी हूँ दोनों भाई लो। जाओ
रेडी 1 2 3 अरे हाँ ओवरऑल हमने पानी वाला फन भी एंजॉय कर लिया, हमारे साथ मिस्टर जगदीश भाई हमारे और प्राची काजल एंड शबनम। तो कैसा लगा आप सब लोगों को बताओ? अच्छे से बोलो, खुशी से बोलो, अभी हम थक चुके हैं ना इसलिए ऐसे लग रहे हैं। मेकअप नहीं किया है हमें, जज मत करना। जज मत करना, मैं काला हूँ पर कोई बात नहीं, अच्छा हूँ, दिल वाला हूँ, दिल वाला। जगदीश भाई कैसा लगा? पार्लर आई है, कैंपिंग करी आज हमने, फन पार्क में स्विमिंग करी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। ऐसा ही कुछ कुछ टाइम, मतलब महीने में एक आध बार तो होना चाहिए ना, यही एक वो वीकेंड थेरेपी है जिसको बोलते हैं। मतलब टायर्ड तो इंसान हो रहा है बट रिलैक्स भी हो रहा है। क्या करूँ, भेजो ना, भेज दो भेज दो भाई। अभी हमारा अभी खाने का भी टाइम रह गया थोड़ा सा, तो अभी हम कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे, तो खाने के टाइम पे व्लॉग को एंड कर देंगे, ठीक है? सो दिस इज लास्ट मील ऑफ आवर कैंपिंग, जो कि हमारे जगदीश भाई के रेस्टोरेंट बना है, जिनका नाम है कबीला, जिनके नाम पे है। आप आओगे मैगी पॉइंट पे तो आपको मिल जाएगा कबीला, मोस्ट वेलकम है। आपको सब चीज़ मिलेगी, मटन चिकन वगैरह जो भी नॉनवेज खाते हैं, शौकीन है खाने पीने की, बढ़िया तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी है। वेज भी मिलेगा आपको और नॉनवेज भी मिलेगा यहीं पे कबीला। तो हम बैठे हैं कबीला में और आपको बाहर से भी दिखा देंगे कबीला एक बार, और हम पोहे मजा ले रहे हैं। फिलहाल हम पोहे का मजा लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओ वीकेंड थेरेपी खत्म हो रही है हमारी, थक चुके हैं, अच्छा फील कर रहे हैं लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि हम थक चुके हैं, है ना? तो काइंड ऑफ एक रिलैक्सिंग का मूड है जो जो कह रहा है कि सोना है, आराम करना है। नींद आई हुई है, थकने के बाद भी खुश है क्योंकि हम थके उस चीज़ से है जिस चीज़ से हमें खुशी मिली है, तो इसलिए अब हम जाएंगे आराम से सोएंगे और ब्लॉग को एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए एडवेंचर के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में, नई कंटेंट के साथ में, इसी तरह। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।